दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फेसबुक में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे लगाएं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले फेसबुक ऐप को ओपन कर लेते हैं और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाने के लिए हमको चलना होगा मेनू में। तो आप मेनू में जाइएगा और मेनू में आने के बाद जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन देता है सेटिंग एंड प्राइवेसी का। जब आप इस पर क्लिक करते हैं सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल जाता है। तो आपको यहाँ पर प्राइवेसी शॉर्टकट का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देगा यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारे मेथड दे रहे हैं। आप टू स्टेप इसको कह सकते हैं वेरिफिकेशन, या फिर ऑथेंटिकेशन, या फिर टू स्टेप लॉक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दे रहा है आपको। ऑथेंटिकेशन ऐप का यूज़ करना हो, जैसे यूज़ ए ऐप लाइक गूगल ऑथेंटिकेशन, या फिर डुअल मोबाइल जनरेशन, ठीक है, या फिर आप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मैं लगाऊंगा, जिसमें मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड करूंगा और उस मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, उसके हिसाब से ये ओपन होगा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अभी के लिए देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी दो नंबर है मेरा यहाँ पर। अगर आपको इसके अलावा कोई नंबर ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड नंबर पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 अंक का कोड गया होगा, डिजिटल कोड आपके जो भी नंबर आपने ऐड किया होगा, तो ये कोड आ चुका है। अब सिंपली हम यहाँ पर ये कोड डाल देते हैं। हो सकता है आपको कहीं यहाँ पर स्क्रीन ब्लैक हो गया हो, आई डोंट नो, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है और इसमें जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है कई बार काम नहीं करता है, स्क्रीन को ब्लैक कर देता है। तो अगर दिख रहा हो तो बेहतर है, नहीं तो फिर आगे हम चलते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ना, तो योर देखिए यहाँ पर कह रहा है योर सिक्योरिटी, फॉर योर सिक्योरिटी प्लीज़ री इंटर योर पासवर्ड टू कंटिन्यू। यानी जो आपका फेसबुक का पासवर्ड है उसको फिर से यहाँ पर ऐड कर लगाना होगा, यानी फेसबुक का पासवर्ड यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर फेसबुक का पासवर्ड लिखता हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर हम करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक। पासवर्ड सही रहेगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो चुका है, बस आपको क्या करना है यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करते ही आपका ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका ऑन हो चुका है। अब इस पर हम क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑन दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह के आप बहुत ही आसानी से फेसबुक में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दैट सी टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।